नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार के गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है, बिहार के विशेष पैकेज को लेकर कुछ नहीं है, बिहार के विशेष दर्जे को लेकर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें की गई है। उन्होंने कहा कि एक भी नौकरी का वादा नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो यह बोल रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, यह कांग्रेस के समय से चला रहा है। यह घोषणा पत्र कुछ नहीं है, यह घोषणा पत्र सिर्फ इधर उधर की बटन वाला घोषणा पत्र है। किसानों के बारे में सोच रहे हैं कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे, इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो इतनी मदद लाए बिहार के लोगों, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें? ना स्पेशल पैकेज के जरिए किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे? और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे? किसान युवा के लिए क्या करेंगे? तो इसका तो कोई जिक्र नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में कुछ जिक्र है तो बता दीजिए कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों का और क्या क्या किया है वो सबको पता। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है, राशन भी गरीब जो लोगों को मिलता था यूसीसी को भी। आपको राशन कब से मिल रहा? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया और ये बात हमने मुख्यमंत्री भी कहते हैं कितनी बार कहा गया है, तो उसके लिए क्या किया?